हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इनर चैनल रोस्टिंग रिव्यू। दोस्तों अभी अभी मैं देख कर आ रहा हूँ जुआ वेब सीरीज, जिसमें हम लोग मुझको क्या अच्छा और क्या बुरा देखने को मिला। और आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं बता देता हूँ कि आप लोग देखना है कि नहीं देखना है, रिव्यू पहले पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड तक ताकि वो लोग भी देख सके। अरे साला ये तो शायरी हो गया कि वीडियो में बने रहिए एंड तक और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड तक। कैसा लगा शायरी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले यदि आप इस चैनल के दहलीज पर पहली बार कदम रखे हैं मेरे दोस्तों, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल घंटी को लीजिए प्रेस। कुछ भी पूछना हो बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई जो है मैं जरूर ही देता हूँ। देखिए जुआ जो वेब सीरीज है अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है प्राइम प्ले के एप्लीकेशन पर, इतना मालूम होगा आप लोग यदि मेरे पहले से सब्सक्राइबर होंगे या फिर ऑडियंस होंगे तो, ठीक है। तो जुआ जो वेब सीरीज है इसमें हम लोग को दो एपिसोड देखने को मिलता है, दो एपिसोड इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। इच एंड एवरी एपिसोड की बात करूं तो 23 मिनट का एक 24 मिनट का पहला एपिसोड, 24 मिनट का कुछ सेकंड, 24 मिनट कुछ सेकंड का है, और दूसरा एपिसोड जो है वो 23 मिनट कुछ सेकंड का है, ठीक है। अब देखिए इसमें अच्छा बात यही है कि दोनों एपिसोड में एक एक जगह सीन दिखला दिया गया है, बात यहीं पर खत्म हो जाता है। और उसके बाद बुरी बात ये है कि भैया इस वेब सीरीज में मतलब कि आप लोग के तन बदन में आग तो लगा देगा, मतलब थोड़ा सा आग लगेगा, चिंगारी जैसे बोलते हैं ना, चिंगारी लगाएगा, लेकिन शांत नहीं कर पाएगा ये वेब सीरीज, ठीक है। तो हम लोगों ने जितना मतलब कि इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले थे वो सब भैया फेक हो गया, वो सारा चीज गलत हो गया, इसमें कुछ देखने को नहीं मिला। इस पार्ट वन में दो एपिसोड देखने को मिला, इसमें तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा। दीपक दास शर्मा अभी मतलब कि जुआ खेल ही रहे होते हैं और दीपक दास शर्मा अभी तक इसमें उतरे नहीं है, अपना सीन नहीं दिए हैं, ठीक है। तो दीपक दास शर्मा पार्ट टू में सीन देंगे और देखिए इसमें पार्ट टू जब आता है तो उसमें हम लोग को लगता है कि 3 या 4 एपिसोड देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइम प्ले जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा 6 मतलब के एपिसोड हमेशा रिलीज करता है, 6-5 ऐसा करता है, मतलब कि 4 नहीं करता है कभी भी। तो ये जो वेब सीरीज है इसमें यही बुरी बात है कि आप लोग को मतलब कि आग लगाने वाली, चिंगारी फूकने वाली बात हो गई, यानी कि चिंगारी तो लगाई गई, सीन दो ही जगह देखने को मिलेगा, दो एपिसोड में, एक एपिसोड में एक जगह, एक एपिसोड में एक जगह। वो भी होता क्या है कि मतलब कि कुछ स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी कुछ आप लोगों को समझ में आएगा नहीं जब तक ये पार्ट टू नहीं आ जाता, क्योंकि इसमें बहुत सारा सस्पेंस है। होता क्या है कि जो दीपक दास शर्मा के पास दोनों वो जो लौंडे लफड़े रहते हैं उनके साथ एक लड़का का शादी हो जाता है, इसके बहन के साथ, यानी कि इसकी बेटी के साथ, जो जुआ खेलता है उसकी बेटी के साथ शादी हो जाता है, और जो उसकी वाइफ रहती है उसके साथ थोड़ा सा सीन देखने को मिलेगा। जो क्या बोलते हैं, जो जुआ खेल रहा होता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, हार जाता है, दीपक दास शर्मा के साथ हार जाता है, तो उसके साथ एक सीन देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि जो लौंडा लफड़ा रहते हैं उसमें से एक का शादी कर देता है, ये जो जुआ खेला रहता है, हारा रहता है, एक का शादी कर देता है उसके बेटे के साथ, यानी बेटा क्या है उसके साथ, मतलब जो बॉडी गार्ड रहते हैं उसके साथ शादी कर देता है अपनी बेटी का, जुआ वाला। तो यही सारा सीन इसमें देखने को मिला, मुझे तो बहुत ही बेकार लगा, गर्क लगा, बेटा गर्क हो साला। कुछ कुछ वाइब्स तो ऐसे आ रहे थे जैसे उल्लू वाला ही, मतलब कि जैसे जैसे मतलब कि उल्लू वाला रस डालता है ना, उसी तरह का ये भी सीन हम लोग को इसमें देखने को मिल गया, यानी कि कॉपी पेस्ट की बात करें तो वही कॉपी पेस्ट वाला बात हो जाता है यार, उल्लू वाले की तरह ही मतलब कि इसमें भी वाइब्स मिलने लगा। तो ओवरऑल जो बात करूं एवरेज है, देखने लायक है, देखना चाहते हैं तो देखना देख लीजिए, अदरवाइज इग्नोर मारना चाहते तो इग्नोर भी मार सकते हैं। लेकिन देखिए इसका पार्ट टू जब आता है तो दीपक दत्त शर्मा का जो है वो परफॉर्मेंस देखना बाकी रहेगा, क्योंकि उसमें भैया जो प्राइम प्ले वाला है ना वो भी बहुत सस्पेंस पे सस्पेंस रखते हैं कि मतलब कि एक एपिसोड एक पार्ट में थोड़ा सा सीन दिखा दिया जाए, उसके बाद पार्ट टू में कस के ताबड़ तोड़ वाला, एकदम पलंग तोड़ वाला, खटिया तोड़ हुआ, चाहे मतलब कि चौकी तोड़ हुआ, सब सीन उसी में दिखा देते हैं। लेकिन हाँ जो क्या बोलते हैं ऐश्वर्या राय बोल रहे हैं यार, ऐश्वर्या अग्रवाल जो है वो मतलब कि पूरा एकदम न्यूडिटी के हद पार कर दी है, पूरा न्यूडिटी आप लोग को देखने को मिलेगा, खूब मजा आया, ठीक है। बाकी आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए, अदरवाइज इग्नोर मारना चाहते हैं तो इग्नोर मार सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ देखने को मिला नहीं हमको, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यदि टाइम है तो देखिए, अदरवाइज इग्नोर मार दीजिए, कोई मतलब कि पार्ट टू आएगा ना तब देख लीजिएगा, एक साथ ही देख लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले हॉट यूनिवर्सिटी रिव्यू के साथ या फिर किसी नए अपकमिंग वेब सीरीज अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई मेरे, यदि नहीं सब्सक्राइब किए तो कसम है आपकी गर्लफ्रेंड की, छोड़कर भाग जाएगी, समझ जाइए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।